402 वर्ष जन्म उत्सव है जिसको आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता ने बहुत सारी 100 साल तपस्या की है और इनके चमत्कारों के बारे में हम कुछ वर्णन ही नहीं कर पाते हैं। इनके ऐसे चमत्कार हैं जो कि बिल्कुल वर्णन ही नहीं है। उनका एक ऐसा चमत्कार, जब वो 7 साल की थी तो उनके बाप गए थे किसी उनके पास दरवेश के पास, वहाँ उनको शिवरात्रि घर में थी। शिवरात्रि जब पूजा करने के लिए वापस आना था, उनको वो तिल लाना था, वो तो भूल ही गए, लेकिन मन में याद था। जो ही ये घर पहुँचे तो माता ने उनको, ये राता रूपवानी बच्ची थी 7 साल की, बाहर आते ही माता ने उसे उसने बोला बाप को, दे दो जल्दी जल्दी आप तिल की थाली, तो आप तो ये मैं इसको जल्दी साफ कर लेती हूँ। तो माधव जो उनके पिता थे वो हैरान हो गए, बोला कि इस छोटी बच्ची को कहाँ ये ख्याल आया कि मैं मन में तिल का थाली थी,
इसलिए उनको खुशी समझ हुआ कि मेरी माता एक साधारण कन्या नहीं है, यही माता का स्वरूप है, माता शारिका का स्वरूप है। तो उन्हीं का ये सारा, लेकिन वो गुप्त था, बोलते नहीं थे। जय जयकार माता रो कुमार। आज यहाँ पे जम्मू के कैंप ऑफिस में माता रूपवानी का 402 प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। इसी तरीके से आज के दिन कश्मीर के सारे तपोस्थलों पर भी उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आज उससे माता से मांगते हैं कि आने वाले सालों में जैसे पहले हम श्रीनगर में उनका जन्मदिन मनाते थे, वैसे ही पूरे भारतवर्ष में मने। आज जम्मू में ही नहीं, जम्मू के इस मंदिर में नहीं, जगती के 6 मंदिरों में भी माता का जन्मदिन मनाया जा रहा है और दिल्ली में भी मनाया जा रहा है। आने वाले अगले सालों में भारत के कुछ और मंदिरों में भी उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। आज यही मंगल कामना करते हैं, हम खुश रहें, हमारे परिवार खुश रहें, हिंदू समाज खुश रहे, समृद्ध रहे, यही मनोकामना करते हुए अगले साल में आपका। आज माता रूपवानी का जन्मदिन है। कश्मीरी पंडित समुदाय इस माता का बहुत परंपरा से पूजा कर अर्चना करते रहते हैं। माता से यही आशीर्वाद देते हैं कि सुख संपत्ति जो भी हम कष्ट झेल रहे हैं उसका निवारण करें। माता रानी से बार बार यही बारंबार यही उम्मीद भी हम रखते हैं कि माता हमारे यहाँ कष्ट निवारण रहे, समुदाय के साथ देश विदेश में सुख शांति आ जाए। और आज एक हवन का भी आयोजन किया गया जिसमें आज हमने पूरे विश्व के लिए सुख शांति का पाठ किया। माता रूप भवानी श्री अल्पेश्वरी का जन्म उत्सव या प्रकाश उत्सव मना रहे। माता माता दुर्गा माता शारिका अवतार मानी जाती है और भक्त जनों का इनका अटूट विश्वास है। खास करके कश्मीरी पंडित समुदाय इनमें बहुत ही श्रद्धा है। और माता का सबसे बड़ा जो उपकार है वो ये है कि इन्होंने रहस्य उपदेश नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें कश्मीरी शैव शास्त्र की व्याख्या की गई है ताकि ये आम लोगों की समझ में आए। और ये उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है जिसमें हजारों की तादाद में भक्तजन। श्री अलख साहिबा ट्रस्ट का प्रधान सेवक आज के दिन 402वां वार्षिक हमारा जो प्रकाश उत्सव का दिन है जो कि माता रूपवानी का जन्म दिवस के रूप से मनाया जाता है, यहाँ पर इस मौके पर पूरा एक बड़ा यज्ञ हो रहा है जिसमें कि हजारों लोग शमूलियत कर रहे हैं। इस यज्ञ में जो सारे लोग इसमें जो एक हमारे माता रूपवानी ने वाक्स बोले हैं उन वाक्स पे ही सारे उच्चारण कर रहे हैं, उसका अमल कोशिश कर रहे हैं अमल करने की, जो कि ये वाक सारे हमारी जो प्रेजेंट जिंदगी है उसमें ये सारे वाक एप्लीकेबल हो जाते हैं। और भगवान माता ये हम सारे इसी को बना रहे हैं।